अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के मजीठिया भवन में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय की फिजिक्स को असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अपरा त्रिपाठी ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसके अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो नई पीढ़ी है उनके अंदर इस भावना को जागरूक करना है कि वो बहुत कुछ कर सकती है। उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि जो लड़कियाँ हैं उनके मन में आता है कि हम पढ़कर क्या करेंगे, यदि नौकरी नहीं मिलती है तो हम हाउसवाइफ बनकर रह जाएंगे। तो उन सभी के अंदर ये भावना पैदा करना है कि पढ़ाई नौकरी के लिए ही नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग के भी काम आएगी, जो अपने आने वाली पीढ़ियों को भी जागरूक करेगी। With these beautiful words describing Vedas, signifying the importance of women in our society, I, Ananya, student of MSc final year, welcomes all our esteemed guests, respected teachers, my dear friends. संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय की फिजिक्स डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अपरा त्रिपाठी ने कहा, ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जो हमारी नई पीढ़ी है उसमें इस भावना को जागृत करना है कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं। कई बार हमारे जो लड़कियां हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में ये आ जाता है कि हम पढ़ के करेंगे क्या, फाइनली हमें नौकरी नहीं मिलती है तो हम तो हाउसवाइफ बनकर रह जाएंगे। तो उनमें ये भावना पैदा करना कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है बल्कि उनकी पढ़ाई इस नेशन बिल्डिंग के काम भी आएगी, जो वो अपने आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफ़र करेंगी। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है, उनको जागरूक करना है। मैं डॉक्टर अपरा त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिजिक्स डिपार्टमेंट।